दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं खजीदा कंपनी का ये ड्रिल मशीन, और ये 350 वोल्ट का है, 2600 RPM, इसका मॉडल नंबर है SC01 इलेक्ट्रिक ड्रिल। आज मैं इसको खोल के दिखाने वाला हूँ कैसा है और क्या का इसके संग मिलता है। ये देख लीजिए इधर से, और मैं लास्ट में बता भी दूंगा ये कितने का है, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। कुछ बिट है तो खोलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है, ऐसा बिट है। एक्स्ट्रा पावर 6 mm सिरेमिक ड्रिल बिट, ये मेरे ख्याल से कोई पत्थर टाइप चीज में छेद करने के लिए या फिर कंक्रीट में इससे ऑन कर सकते हैं। इसको रखते हैं और इसके संग ये ड्रिल बिट मिली है, 13 पीस बिट है जो 6.5 mm का जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद 1.5 mm इसको यूज करके अभी देखेंगे कैसा काम करता है। और इसका कुछ ये मैनुअल गाइड है, वारंटी कार्ड है, 6 month वारंटी, 3 month वारंटी के संग आता है। मैंने तो ऑफलाइन लिया है दोस्तों मार्केट से, और आपको खोल ऑफ दिखाते हैं इसका मेन टूल्स। ये ड्रिल मशीन है खदीजा पावर टूल्स, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है तो इसको मैं चला करके दिखाता हूँ कैसे चल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ ज़्यादा हैवी काम के लिए नहीं है, नॉर्मल घरों में यूज करने के लिए है छोटा मोटा। इसको मुझे इसलिए मंगाना पड़ा, कभी कभी कुछ काम पड़ता था तो हमें करके देखते हैं कैसा होता है। एक हम सबसे छोटे वाले से करेंगे, और एक मीडियम वाले से करेंगे, और एक ये सबसे बड़े वाले से करेंगे। इन तीनों से छेद करके हम देखते हैं कैसा होता है।
इसमें हमारा कैमरा लगा होता है, इसको हमने हटा दिया तो कैमरा बंद हो जा रहा था इसका मोड के कारण। और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, देखा दोस्तों आपने, एक ऐसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। इसको निकालते हैं और इससे बड़े वाले बीट को पॉप करते हैं, फिर देखते हैं कैसे चल रहा है। हालांकि ठीक है नॉर्मल यूज के लिए, अब इससे बड़े वाले का यूज करके देखते हैं ये कितना कर पाता है। और देखा आपने ये सिर्फ कितने देर में इतना ही कर पाया। और ये हीट हो चुका है, इतना ही जा पा रहा है। अब इससे ज़्यादा हमें करना मुश्किल है, ये मेरे ख्याल से ईंट में या दीवारों में छेद करने के लिए नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, बाकी बहुत टाइम लगेगा। और ये आपको खरीदना या नहीं खरीदना आप देख सकते हैं, बाकी घर में नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, बस इतना कह सकता हूँ। और ये मुझे मार्केट से पड़ा है 850 रुपये का, ऑनलाइन तो महंगा था इसलिए मैंने ऑनलाइन लिया नहीं, फ्रेंड से मंगा ली इसको और ये सिर्फ 850 का है। बस वायर वायर सब अच्छा इसका।